संसदीय बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। आम बजट से आम नागरिकों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता अनूप जब लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बजट को लेकर बातचीत की, तो लोगों की क्या कुछ राय है सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बीच में जो है केंद्र सरकार जो है आज बजट पेश कर रही है। बजट से तमाम जो जनता है, तमाम उनको उम्मीदें हैं कि महंगाई हो सकता कम हो। उनके लिए जो आम जनता की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कोई सरकार जो है कोई खास योजना लेके आए ताकि जो है उनको लाभ मिले। हम इसी मुद्दे पर जो है आम जनता से उनकी राय जानना चाहेंगे कि आखिर जो बजट पेश हो रहा है उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आम नागरिक हैं, आपका नाम क्या है? किशन लाल। किशन जी, आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार से बजट में क्या होना चाहिए? भाई, हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा जो है महंगाई पर ध्यान दें बस, और क्या। सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई का ही है और बेरोजगारी का थोड़ा ध्यान दें। क्या लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है आपको? बहुत ज़्यादा है सर। इतना तो हम तो 20 रुपये लीटर के पेट्रोल खरीदने वाले इंसान थे, आज बताइए 100 रुपये के ऊपर हो गया है। तनख्वाह उतनी ही है प्राइवेट, आजकल 750 8000 में क्या करेगा आदमी। तो कैसी जो सरकार जो है बजट पेश कर रही, क्या उम्मीदें आप रखते हैं, क्या होना चाहिए? अब ये तो सरकार का काम है, अपने हिसाब से करें, मतलब जनता के ऊपर बोझ ना डाले, और क्या भाई। जिसको तो मिल रहा है उसको मिल ही रहा है भाई, जनता पर बोझ ना डाले किशन लाल जी का कहना था। और कहना एक साफ एक और बात है, उन्होंने कही है कि जो कमाई थी वो सीमित है, लेकिन खर्च बढ़ने लगे और महंगाई बेतहाशा बढ़ने लगी है। इस और भी लोगों से हम राय जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है सर। प्रेम प्रकाश जी, आज 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 जो है बजट पेश किया जा रहा है, महंगाई और क्या आप लोगों का मुद्दा है, क्या चाहते हैं, किससे राहत मिले? राहत ये है सर कि महंगाई बजट पेश हो जो भी हो, लेकिन जो हमारे ये ठेकेदारी प्रथा है, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही हैं, महंगाई तो बढ़ती चली जा रही। हम लोग की तनख्वाह, मैं ड्राइवर हूँ, सरकारी गाड़ी चलाता हूँ, ठेकेदार के अंडर में हूँ, हमारी तनख्वाह 10,000 है, लेकिन हमको तो ना महंगाई भत्ता मिलता है ना हमको कोई तनख्वाह बढ़ती है। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग की सरकारी नौकरी मिल जाए या भत्ता जो भी हो, साइड सीमित, हम लोग तो भाई उसी में जीवन। कई बार बजट पेश किया गया है और केंद्र सरकार का दावा रहा है कि हमेशा वो जो आम जनता के लिए बजट लेके आती है, क्या लगता है आप लोगों के लिए बजट नहीं? हम लोग के लिए सर कोई असर नहीं सेहत पे है, हम लोग जैसे जी रहे हैं वैसे कमा रहे हैं वैसे मर रहे हैं, गड्ढा खोदना रोज कमाना। बजट आप फ्री कर दीजिए, जो भी बजट आता है पास होता है, हम लोग के करीब फायदा नहीं होता है। पहले भी बजट पास हुए हैं, लेकिन जो बजट का आम नागरिक को फायदा मिलना चाहिए वो फायदा शायद नहीं मिल पाता, ऐसा इनका कहना था। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फूलचंद गुप्ता। फूलचंद, आज बजट पेश हो रहा है जी सर, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, क्या होना चाहिए बजट में? सरकार से सर उम्मीदें हैं जो वो ठीक है, बाकी उम्मीद तो है, हमें बहुत उम्मीद है सरकार से, इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है सर। हाँ, जो करेंगे सरकार अच्छा करने की कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर लोगों की ज़िंदगी चले भाई, इतना आपसे हम कह सकते हैं। बाकी अभी तक सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। नहीं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है आपका कहना है गुप्ता जी, लेकिन जो महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर क्या कहेंगे, बजट में क्या होना चाहिए? देखिए सर, महंगाई तो ये कभी ना रुकी है और ना रुकेगी, महंगाई हमेशा कोई भी सरकार आए सर महंगाई चलेगी, महंगाई नहीं रुकेगी सर। और महंगाई के साथ साथ हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा सर कि महंगाई के बारे में, हाँ लोगों की आम यानी काम धंधा करने वालों का भी ठीक है, कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट करते थे, लेकिन प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए ये थोड़ी सरदर्द है सर। जाहिर सी बात है, कई लोग हैं, उनकी तमाम तरह की राय है, किसी का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और जो कमाई का साधन था वो सीमित रह गया है, और कुछ लोग का बहुत उम्मीदें भी लगा रखे हैं। हम और भी लोगों से बात है, क्या नाम है आपका भैया? देवनारायण। देवनारायण जी, आज जो है संसद में बजट पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोग, आप एक आम नागरिक हैं, क्या उम्मीदें करते हैं कि बजट में क्या क्या होना चाहिए, किस जिससे आम लोगों को राहत मिले, आपको राहत मिले? जी, बजट में होना चाहिए कि आम आदमी को ध्यान में रख करके उनकी जो छोटी छोटी मूल आवश्यकताएँ हैं उनको सरकार पूरी करे, और ये उम्मीद की जाती है कि इस बजट से जो है आम नागरिक की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। आप क्या लगता है आपको, आप
नागरिक की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कैसे निजात मिले? प्राथमिकता तो सरकार को चाहिए कि आम नागरिक बेरोजगार घूम रहा है, उनको किसी भी तरह के छोटे मोटे, चाहे उद्योग हों, उद्योग धंधे हों, शिल्प हो, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि उनको राहत मिले। जो महंगाई है, बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है, और शायद रोजगार के भी ऐसे अवसर मिले इस बजट में, ऐसी आम जनता को उम्मीदें हैं।